आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक, समस्याओं के साथ कई बिंदुओं पर की जाएगी चर्चा। ट्रेन से कटकर हुई युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, गिरफ्तार युवक पर की गई कार्रवाई। संजीत भारती बने टीपीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष, टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ का हुआ पुनर्गठन। भव्य जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मिस्कॉट में निजी भवन में किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम बिहार। तो शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां सिकटा के किसान ने चार पहिया वाहन पर दो मंजिला रेस्टोरेंट होटल बनाया है, जहां रंग बिरंगी बिरयानी से लेकर खाने पीने की जरूरत का सारा सामान मिलता है। आपको बता दें कि बिहार के प्रगतिशील दुकानदार अफरोज आलम कई तरह की चिकन बिरयानी बनाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मसाले डालकर बनाई जाती है। जो एसके चिकन बिरयानी जो आपने खोले हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? जो चलन बिरयानी जो स्टॉल आपने लगाया है नरगट, मैं तो बल्थर और वितिया रोड पे जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी नौजवान आदमी हैं या बुजुर्ग हैं, जो भी बाहर रहते रहते उग चुके हैं, बाहर रहने से कुछ नहीं हासिल कर पाए, वो अपने वतन में आए, अपनी धरती पे आए, आकर के इस टाइप का नया नया कोई बिजनेस पैदा करें, जिससे बहुत सारे बेरोजगार लोग रोजगार पा सकें। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बिहार सरकार के पीएचडी सह जिला प्रभारी मंत्री ललित कुमार यादव ने चंपारण के समाहरणालय सभागार में जिले के वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा भी की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और इससे निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। खबर बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, जिसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा दिए गए आवेदन पर धारा पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता को 64 के बयान और जाँच के लिए मेडिकल भेजा गया है। पश्चिम चंपारण बेतिया केजे मलमपुर गांव में पंचर की दुकान में बड़ा हादसा हो गया। वायु टंकी से निकली चिंगारी से दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में दुकान में रखा करीब 1 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमक यंत्रों की मदद से आग को काबू किया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां हरिनगर नरकटियागंज रेलखंड के पास एक 15 साल के युवक का शव शतविक्षत हालत में मिला। बताया जा रहा है कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे युवक ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके पिताजी का क्या नाम है? अकबर, अकबर मियां। कितने वर्ष का हो गया ये? हो गया 15 साल का। कब से निकला था घर से? ये निकला था लगभग 3 बजे से निकला था ये मछली मारने के लिए। आप लोग कब सूचना मिली कि ये घटना हुई? अभी ये नहीं पता, ये हम लोग बाजार में गए तो पता से इसको भूल गया था। इसका मम्मी रोने लगी घर पे जाके, मेरा बेटा को खोजो खोजो किधर है। तो हम लोग आए इधर, पता किए तो आकर देखे यही है।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस ने देर शाम बाइक के डिक्की में रखे विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं एक युवक को पूर्व के शराब मामले में फरार चल रहे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, दोनों गिरफ्तारों में एक की पहचान हरपुर निवासी और दूसरे की पहचान नगर के पुरानी बाजार निवासी युवक के रूप में की गई है। खबर भागलपुर से है, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोड़ के पास अपराधियों ने सड़क पर बाज लगाकर हीरो होंडा मोटरसाइकिल लूट ली थी, जिसका पुलिस ने चार दिन के अंदर खुलासा करते हुए मोटरसाइकिल के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अंतर्गत जो टूटा पुल जो जहां पर नाम की जगह है, वहां पर चार अपराधकर्मियों ने एक मोटरसाइकिल एक आदमी व्यक्ति जो कि इनका नाम है कृष्ण कुमार, दरियापुर के रहने वाले, उनसे छीन ली थी। और उसमें जैसे ही इन्होंने छीनी, उन्होंने तुरंत सूचना दी, जिसमें हम गश्ती दल भी वहाँ पे पहुँचा था। अगले दिन भी हमने छापामारी टीम का गठन किया और कुछ नाम हमारे सामने आए थे, उसमें हम तुरंत छापामारी किए, तो उसमें तीन लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और तीन अन्य लोगों का संलिप्तता इसमें सामने आई है, जिन्होंने जिसमें से दो लोगों ने लाइनर का काम किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद स्वागत है आपका। खबर हाजीपुर से है, जहां टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार के राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य संयोजक की अध्यक्षता में बीडी बुद्धा स्कूल के सभागार में आयोजित की गई और बैठक में सर्वसम्मति से राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं इस दौरान नालंदा जिला अध्यक्ष के साथ विभिन्न जिलों के टीईटी शिक्षक नेतृत्वकर्ता उपस्थित रहे। जो है राज्य स्तरीय टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ का सम्मेलन कर रहे हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने संगठन का पुनर्गठन किया जी। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो विगत दिन वार्ता बुलाई गई थी, उस पर हम लोगों ने जो है गहन चिंतन मनन किया है और इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे हैं कि सरकार के द्वारा जो है वार्ता का स्वांग रचा जा रहा है, क्योंकि वोट लेने के समय, शिक्षकों का वोट लेने के समय सरकार ने शिक्षकों से जो है वोट लिया, अब जो है वार्ता का स्वांग रच करके इनपुट और आउटपुट की बात समझा रही है। हम अगर मगर किंतु परंतु में विश्वास नहीं रखते हैं, सरकार से दो टुक लहजे में कह देना चाहते हैं कि शिक्षकों की मांग समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन स्कीम जिसको RJD ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उसको अविलंब शिक्षकों को दे दिया जाए। ये कार्यक्रम पूरे बिहार के TET शिक्षकों को जागृत करने के लिए हो रहा है, जो वो अपने अधिकार को भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि हम शिक्षक तो हैं ही, साथ साथ हम बच्चों के 1.5 करोड़ निर्माता भी हैं, भाग्य निर्माता हैं। और विशेषकर मैं उन महिला शिक्षकों से, पूरे बिहार के महिला TET शिक्षकों से अपील करना चाहूँगी कि ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप अपने अधिकार को जानें, समझें और पूरे बिहार में एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ करें
एक ऐसी रणनीति प्रारंभ करें जिससे कि सच में शिक्षा की अलख जगे और अलख इतनी अच्छी जगे कि वो सचिवालय और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। शिक्षकों के मन में बहुत दिन से एक बहुत पुरानी मांग रही है राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए, और खास करके 2015 में जब त्रुटिपूर्ण एक छोटा सा वेतनमान हम लोग को बना करके दिया गया, उसी समय पहली बार हम TET पात्रताधारी शिक्षकों के साथ एक अन्याय हुआ और वो दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। आज के दिन में सबसे ज़्यादा, हालांकि समस्या सबके साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार विभागीय प्रावधानों से प्रताड़ित शिक्षक हमारे टेट संबल। खबर बेतिया से है, जहां जिले के रहने वाले एक बच्चे ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाकर अपने तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। बता दें कि विकास पिछले 4 महीने से कड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने कचरे के ढेर से सामान इकट्ठा कर प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया। हालांकि अभी इसे हम कार या बाइक में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसमें फ्यूरीफिक्सेन की ज़रूरत है। अभी ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे मन में लगभग 4 महीना पहले से चल रहा है और इसको हमने घर पे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया और गार्जियन बोले कि जब घर पे प्रैक्टिकली करके दिखाए तो इसे स्कूल में भी अपना प्रैक्टिकली करके दिखाओ। स्कूल में भी प्रैक्टिकली करके दिखाए और सर लोग बोले कि नहीं, ये सही प्रोजेक्ट है और उन्हें भी बहुत खुशी हुई ये देख कर प्रोजेक्ट को। खबर मोतिहारी से है, जहां आगामी मिशन लोकसभा 2024 और बिहार विधानसभा 2025 के तहत भारत जन जागरण दल पार्टी बिहार के हर जिले में कार्यक्रम कर रही है। वहीं मोतिहारी शहर के मिस्कॉट में निजी भवन में पार्टी का भव्य जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी चंपारण के हजारों की संख्या में पदाधिकारी और नेता कार्यक्रम में पहुंचकर आगामी लोकसभा और विधानसभा के लिए जिला में मजबूती के लिए संकल्प ले रहे हैं। GST इतना ज्यादा लगाया गया है, अगर आप एक कार खरीदे 5 लाख का तो 1.5 लाख टैक्स लगेगा, आप 1 लाख का सीमेंट खरीदे तो 28,000 का टैक्स लगेगा, आज 1 लाख का जो है छड़ खरीदे तो 18,000 का टैक्स लगेगा। आम आदमी का जीवन को जो है दयनीय बना दिया गया है और कुछ खास व्यक्तियों को जो है बहुत आगे बढ़ा दिया गया है, तो इन सब चीजों को दूर करते हुए अगर हमारा दल का सरकार बना। मिशन लोकसभा 2024 के तहत BJJD का बिहार में हर जिला में कार्यक्रम हो रहा है, जिसके क्रम में मोतिहारी में आज कार्यक्रम है और 2025 में बिहार में BJJD एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है, जिसके तहत काम चल पार्टी कर रही है। बिहार में पूंजीपतियों की सरकार के रूप में कोई भी पार्टी ने काम किया है। नालंदा में बिहार शरीफ मुख्यालय के नगर थाना पुलिस ने फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सूफी नगर थवई मोहल्ला में मोहम्मद छोटन और उसके पड़ोसी से किसी बात को लेकर मारपीट और फायरिंग की जा रही है। थानाध्यक्ष बिहार को कि सूफी नगर थवई मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है, गोलीबारी की घटना घटित हो रही है। तत्क्षण जो है थानाध्यक्ष दरबल के साथ पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में मणिराम बाबा खड़ा से आगे जब बढ़े तो देखे कि कुछ संदिग्ध युवक जो है मोटरसाइकिल से 3 लड़के आ रहे थे। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश किए, इसमें खबर नवादा से है, जहां शिक्षक ने छात्र को लोहे के रॉड से पीट पीट कर घायल कर दिया और जिसके बाद छात्रों को अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें छात्र के चेहरे और पैर पर गहरे चोट के निशान हैं। वहीं इस मामले को लेकर छात्र के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। बैठा था तो उसके एक या दो बेंच पीछे एक आवाज़ निकाल गया था एक बच्चे के द्वारा,
कुछ उठपटांग सा आवाज था सर। तो सर जब लिखना अपना ख़त्म किए सर, तो उनके बाद अचानक से वो आए और फिर बोलने लगे कि देखो बच्चे मेरे क्लास में ये सब हरकत नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे मतलब मुझे पकड़ा और बोला कि तुम ही किया था, तो हमको तुम ही पे शक है। फिर जब मैंने दो बार ऐसा बोला कि सर मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया सर, तो उसके बाद फिर अमित सर मतलब जो टीचर है वो गेट से बाहर गए बहुत गुस्से में, और फिर एक लोहे का डंडा लेके आए, और फिर वो डंडा लेके आए तो मुझे वो बाहर बुलाए। तो फिर उसी वक्त जब मतलब वहाँ पे एक स्टेज टाइप का सर टीचर लोग के पढ़ाए, वहाँ पे मुझे बुलाए और वहीं पे मुझे सर एक बार बहुत कस के मारे यहाँ गाल पे, जिसका निशान ये है। और सर फिर उसके बाद फिर मैं सर ढकेले, और फिर ढकेलने का सर एक दो मतलब दो रो है वहाँ पे जिसके बीच का गैप सर बहुत कम है, मतलब बहुत कम। फिर वहाँ पर सर मुझे सर मतलब जूते से यहाँ पर सर पूरा नीचे मतलब काला हो गया सर, और सर बेंच वगैरह से सर बहुत ज़्यादा पेन आया सर पूरे बॉडी में, मतलब बैक साइड से। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। ट्रक ट्रैक्टर एसोसिएशन संघ ने बिहार शरीफ के चौरा बगीचा इलाके में बैठक का आयोजन किया। बड़ी संख्या में संघ के सदस्य बैठक में शामिल हुए। इस दौरान अंडरलोड माइनिंग चालान के साथ ही वाहन चलाने, साथ ही जो भी संघ के खिलाफ कार्य करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस के संरक्षण से जिले में अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर वाहन मालिकों को परेशान करते हैं। ट्रक एवं ट्रैक्टर एसोसिएशन संघ ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अवैध खनन पर रोक के साथ सख्त कार्रवाई की मांग से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। अवैध बालू खनन को रोकने में असफल रही, उसके साथ सरकार तो सरकार है, उसके साथ माइनिंग, परिवहन, पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर साहब से बीडीओ सीओ साहब तक सब लोग रोड पर आ गए। लेकिन क्या रुका? ओवरलोड रुका? नहीं रुका। अवैध माइनिंग नहीं रुका, बिना कागज का चलता रहा, इंट्री पासिंग दे के चलता रहा। और हम लोग तो निहत्था हैं, ना हमारे पास अस्त्र है, ना शस्त्र है, और हम लोग सफलता की ओर जा रहे हैं। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ हाईवे 20 पर अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से एक 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने 4 से 5 घंटे के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी और आसपास के इलाके से लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर जाम लगने से सड़क के दोनों ओर लगभग 5 से 7 किलोमीटर वाहनों को लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और बड़े अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर सरकारी मुआवजा देने की बात कही है।
बिजली हमारा खेत है इधर करमपुर गांव से रोड से पश्चिम तरफ, उसमें 33,000 पोल गई है। तो 33,000 पोल कंपनी वाले लोगों ने अपना जब प्लांट लगाया तो वादा किया कि आप लोग के खेत में भी जो डाउन हुआ है तार उसको हम ऊँचा कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि गावर कंपनी के जो प्रशांत विक्रम सिंह हैं और रावत है और अभिषेक है, ये तीनों मिलकर वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। अपना कंपनी के तरफ तार जो है हाइट कर लिया है लोग, और हम लोग के तरफ 33,000 तार को डाउन कर दिया। की कहे बसन तू जखल चीज रहो गावर का हाइवा है बोल खबर का है मार के चला गया खबर नवादा से है, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो के पलट जाने से ऑटो में सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बता दें कि ऑटो नरहट गांव से दरगाही बीघा जा रही थी और बीच रास्ते से ही पलट गई। मृतका दरगाही बीघा की रहने वाली थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर नवादा से है, जहां रजौली बस स्टैंड के पास गोपी होटल में मुर्गा बनाने को लेकर खूब उत्पात मचाया और दुकानदार को चाकू से मारकर घायल कर दिया, जिसे आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ और सदर एसडीएम अस्पताल पहुंचे और मामले में जाँच शुरू की। बनाने के लिए मुर्गा मेरे यहाँ स्टाफ नहीं था, तो हम बोले आज नहीं बन पाएगा, तो वो गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मेरा स्टाफ को मारा और हमसे भी हाथापाई किया। उसके बाद फिर और चार पाँच लगाया, 10-12 लगा फिर आया, उसके बाद फिर आके चाकू मारा। हाँ, उस लड़के को पहचानते हैं। उसके साथ जो आया वो लोग नहीं जान रहे, लेकिन उस लड़के को पहचानते हैं। उसका मालिक है सूरज जी, और कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो है आए और इससे कहें कि हमको मुर्गा बना। इन्होंने कहा कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, हम मुर्गा नहीं बना सकते, और इसी दरमियान जो है वो चाकू से इनको मार। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सूरज कुमार। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात कहना चाहता हूँ। खबर सहरसा से है, जहां 15 दिन की पैरोल समाप्त होते ही सजा प्राप्त कैदी पूर्व सांसद सहरसा मंडल के कारा पहुंचे और इस दौरान समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई। बताते चले कि पूर्व सांसद डीएम कृष्णिया हत्याकांड में 15 सालों से मंडल कारा में बंद थे। बता दें कि बेटी सूरवी आनंद की रिंग सेरेमनी और माँ से मिलने को लेकर उन्हें 15 दिनों के लिए पैरोल मिली थी। फोटो खिंचाने के लिए सर, चलिए आइए। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? कुछ बोल रहे थे। खबर वैशाली से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जाँच में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, ये अनियंत्रित रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है, कई लोग जो है इसमें मर गए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इसमें जो कल की घटना, कल के देर रात लोग अनियंत्रित जो गांधी सेतु से जैसे ही पुल जो ट्रक आगे गई है, जो महनार के पास लोग पूजा कर रही थी महिला लोग, उसी दरमियान ये ट्रक अनियंत्रित होकर 15 से 20 लोगों को रौंदते चली गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जो अभी मरने वाले का जो अपडेट है 12 हो गया है, और कई लोग अभी जो पटना के पीएमसीएच में उनके इलाज चल रही है, और साथ ही साथ जो उनके नजदीकी जो अस्पताल हैं उसमें इलाज चल रही है। बता दें कि इसमें जो सबसे जो खास बात कह ली जाए, 6 से ज्यादा लोग जो बच्ची हैं, लगभग 8 से 9 साल की उम्र की बच्ची हैं, उन लोगों का अभी मर गई है। उनकी जो वहां पे लोग पूजा कर रहे थे देर रात, और उसी देर रात जो ट्रक
अनंत ट्रक ने जयसिंह पुल पार किया, उसके बाद वो जो उसके बाद वहां पे मंदिर के किनारे लोग महिला लोग पूजा कर रही थी उसमें ठोक कर पार कर गया, लेकिन जो ट्रक है अभाग्यवश ट्रक आगे जाकर पेड़ से टकरा कर और उसके बाद पेड़ से टकरा गए, जिसमें जो चालक है चालक भी पकड़ लिया गया है, चालक पुलिस के हिरासत में है। और वही बात कर ली जाए जिस तरीके से राजनीतिक सियासत में भी, तो राजनीतिक में जो कही जाए तो बिहार सरकार ने सभी लोगों को मरने वाले को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है। कल तक की जो घटना थी, कल तक 8 लोगों की मौत हुई थी, देर रात में 8 लोगों की मौत हुई थी, जो स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गया थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, सभी लोगों का 4 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया। लेकिन जो अभी जो अपडेट है उसमें 12 लोगों की मौत हो गया है, यानी कि 4 और बढ़ गई है, और भी बढ़ने की आशंका है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकते हैं। कभी लोगों का हालत नाजुक है, पटना के PMCH में इलाज चल रही है, साथ ही साथ जो वहाँ जो निजी अस्पताल है उनमें भी इलाज चल रही है। जी ईसा, तो जो ट्रक ड्राइवर है इस पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर है उसकी अभी हिरासत में ले ली गई है। ट्रक ड्राइवर को महनार जो थाना है वो महनार थाना नया गांव टोला के पास हुई घटना हुई है, वो हिरासत में ले लिए हैं। इनके साथ अभी जो पूछताछ चल रही है, इनको इनके पास पूछताछ के बाद इनको सजा भी दी जाएगी। जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए धन्यवाद। प्राइम बिहार में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ।